पर्सनल माइंडस्टोन आपने पिछवाड़े में लेने हैं जब आप बुरी तरह हार रहे हैं मैच। ऐसे क्रिकेट चेज होती है, 32 रन से इबरतनाक शिकस्त है। आप देखें कुलदीप यादव आखिरी ओवर कर रहा है, यू शुड नॉट एंड प्लीज 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 आप अभी राशिद भाई को लाइन पे ले ले, उनसे पूछे जिसको प्रॉब्लम हो वो विकेट कीपिंग कर सकता है 20 ओवर 17। मैच विनर है फखर जमान, इंपैक्टफुल इनिंग्स खेलता है। कांग्रेचुलेशंस दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स ने 32 रनों से आसानी से जीत लिया सीएसके जैसी धाकड़ टीम के खिलाफ मैच। दूसरी तरफ एक मैच और भी हुआ, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, वहां पाकिस्तान जीत गई है। वहां 2 सेंचुरी देखने को मिली, ड्रिल मिशेल की 113 रन और उसके जवाब में फखर जमान के 117। आसान तो नहीं था, घर की पिच पर इतना आसान तो नहीं था, लेकिन फिर भी जीत गई पाकिस्तान। चलिए अभी बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की, यशस्वी जायसवाल वाजीवा। सीएसके की कुछ खास बड़ी खामियां जो पर्सनली मुझे हमेशा लगती है, हम डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं इन दोनों मैचेस पर पाकिस्तानी मीडिया का कैसा रिएक्शन है। या रन चेज हो या क्लोज पहुंचे, 5-10 रन इतना करीब पहुंचे, लेकिन आखिरी ओवर में 36 रन चाहिए थे, आखिरी ओवर में भी कुछ नहीं आया। तो 30-32 रन की बड़ी फतह होती है T20 क्रिकेट में, और CSK टेबल टॉपर और अभी मैच हारने के बाद शायद जाहिर नीचे आई होगी, नेट रन रेट पे फर्क पड़ा होगा, तो अब शायद दूसरे नंबर पे आ गई है या आई डोंट नो, अभी अपडेट हो जाती है, चेक कर लेते हैं। तो मैच बहुत ही आप समझें कि वन साइडेड कह सकते हैं आप, क्योंकि आखिरी ओवर से पहले ही पता लग गया कि क्या होगा सिलसिला, 37 रन चाहिए थे। बीच में थोड़ी सी टेस्ट वाली इनिंग्स आई, थोड़ी सी वनडे वाली आई, थोड़ी सी T20 वाली आई, लेकिन वो फिर बाद में फिर वनडे वाली आई, कोई करते कराते ऐसे MS धोनी के इंतजार में ही दुनिया रह गई कि जी अभी आएंगे बैटिंग करने के लिए, अभी आएंगे, अभी ले आएंगे। तो हम कह क्या कि हमारा भी गला खुश्क हो गया है और आधे से ज्यादा IPL हो गया है, क्योंकि आज 8वां मैच था CSK का भी और बाकी टीमें 8वां मैच खेल रही हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं तभी बैटिंग करने आऊंगा जब जरा माहौल बहुत ही नजदीक पहुंच जाएगा, कोई 2 ओवरों में कोई 40 चाहिए होंगे। तो आज खैर वो वाली भी कहानी नहीं हुई, एंड में बिल्कुल भी हिटिंग नहीं हो पाई। तो मौसम साहब की आज CSK ने डिसअपॉइंट किया, एंड ऑब्वियसली ही वुड बी फ्यूरियस द वे दे वर बैटिंग, देयर बैटिंग ऑर्डर एंड देयर अप्रोच इन दिस चेज, इट वॉज पथेटिक। और माशाल्लाह से मुसलसल आज तीसरा दिन है शायद, हाँ 3 दिन हो गए हैं, पॉइंट आ रहे हैं तो अच्छी बात है, जरा डेफिसिट कम हो रहा है। तो पाकिस्तान की अगर बात करें तो फखर जमान इज लीडिंग द चार्ज और 100 करके अभी नॉट आउट खड़ा हुआ है, अभी शान मसूद की विकेट गिरी है, 30 विकेट, लेकिन यहां से भी पाकिस्तान को दे शुड चेज दिस टोटल डाउन विद ईज, 72 पे 72 चाहिए, एक सेट बैट्समैन खड़ा हुआ है और बाकी अभी विकेट्स भी इन हैंड है। बैटिंग जो है ये फुल टॉसों को नहीं मार पा रहा, माजरत के साथ राइडू का बार बार कह रहा हूँ रिजवान हैदर साहब, और डुबे शुरू में इतना तेज खेल रहा था, 29 बालों में जाके 50 किया, जब आपको 24 रन रेट चाहिए आप सिंगल ले रहे हैं। यार पर्सनल माइंडस्टोन आपने पिछवाड़े में लेने हैं जब आप बुरी तरह हार रहे हैं मैच, ऐसे क्रिकेट चेज होती है, 32 रन से इबरतनाक शिकस्त है। पहली बॉल से ले, मैंने आपको 60-40 कहा था, राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डिलीवरी टिल द 40, क्या कहना चाहिए, 16th ओवर में मैच खत्म। जैम्पा फिनोमिनल बॉलिंग, आप देखें कुलदीप यादव आखिरी ओवर कर रहा है, 4 रन दे रहा है, 50 पे खेल रहा है, 20-22 पे खेल रहा है और 4 रन दे के डूबे को डुबा रहा है। रिजवान हैदर साहब, आप किस जमाने की क्रिकेट खेल रहे हैं? ये धोनी ज्यादती कर रहे हैं, ना सिर्फ टीम के साथ, अपने साथ, फैंस के साथ, CSK के साथ बेड़ा गर्क कर रहा है ये अपने रेपुटेशन का। Nobody has any sympathy on this. If you are not fit enough, then you should not. And please, 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 आप अभी राशिद भाई को लाइन पे ले ले, उनसे पूछे जिसको प्रॉब्लम हो वो विकेट कीपिंग कर सकता है 20 ओवर, अगर वो सही है वही शॉपिंग के लिए अच्छा भी है, आपने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम मैं ठीक होता हूँ। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो शानदार फतह आई है, प्लेयर्स आपस में हाथ में ला रहे हैं। फखर जमान वाज आउटस्टैंडिंग, नो डाउट अबाउट दिस।
बाबर वाज गुड, रिजवान वाज गुड, बॉलिंग में आपका नसीम शाह वाज अमेजिंग। मेरी पाकिस्तान में फैमिली भी आज देखने गई हुई थी मैच, तो चलो अच्छा है, वो जिशान वगैरह अच्छा, गए थे, जिशान वगैरह गए हुए देखने के लिए, बच्चों को भी लेके गया हुआ, तो चलो जीत के आए हैं साथ में। एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट, एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। तो तो जी फखर जमान 117 रन्स बनाए हैं और बहुत ही बेहतरीन 114 गेंदों पे 117, मैच विनर है फखर जमान, इंपैक्टफुल इनिंग्स खेलता है और आज भी 100 बनाया। नहीं मैंने तो मैच तो या हेनरी निकल्स को मिलेगा या टॉम लैथम को, किस वजह से? वो 30-40 रन उनकी मेहरबानी से नहीं ना हुए। फखर जमान इज द मैन ऑफ द मैच एंड ही शुड बी द मैन, अनडाउटेडली 100 किया उसने, नो डाउट अबाउट इट। तो बस अच्छे अच्छे प्यार पे, हालांकि डैरिल मिचेल ने भी 100 किया। तो कांटेदार बन ही गया मैच, करते कराते कांटेदार बन गया। बाबर आजम जरूर थोड़े से परेशान होंगे, 50 रह गई ना उनकी, रिकॉर्ड एक कीर्तिमान बनने से रह गया। टीम जीते ना जीते भाई बाबर का तो यही सिलसिला है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। एनीवे हम बात कर रहे हैं सीएसके की, एमएस धोनी की बैटिंग ही नहीं आई। अब एमएस धोनी आईपीएल खेल रहे हैं कुछ सालों तक, एक साल दो साल तीन साल, उसके बाद बिल्कुल रिटायरमेंट ले लिया जाएगा। तो भाई फैंस चाहते हैं कि टीम हारे जीते, देखिए हार जीत होती है, दोनों टीमें घर की हैं, दोनों टीमें इंडियंस हैं, और आईपीएल का मकसद भी ये है कि नए टैलेंट को तराशा जाए पुराने टैलेंट को साथ रखते हुए। तो राजस्थान जीते चेन्नई जीते हम खुश हैं दोनों तरफ, लेकिन जिनको खेलते हुए देखना चाहते हैं फैंस, कम से कम वो खेलते हुए दिखे तो सही। किस नंबर पर आते हैं एमएस धोनी? आपने मैच देखा, आप भी अपनी राय बताइएगा। शुभरात्रि, जय हिंद।